हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 6:30 और मैं उठ गई हूँ। और एक हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूअर्स थे, उनका रिक्वेस्ट था कि मैं मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का हमें रूटीन शेयर कीजिए। तो उन प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए है। और ये देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैं बना रही हूँ खाना। तो उसमें हमने, पता है, थोड़ी सी क्या मिस्टेक की हमारा ना, जो ना तेल में फ़ौरन हमने थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में हमसे चला गया। उसके बाद मैं बना रही हूँ पालक आलू टमाटर की सब्ज़ी। सोच रहे होंगे कि मैडम सुबह सुबह पालक बना रही हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो हाँ, कोशिश करती हूँ बच्चे भी पालक खाए। हम पालक आलू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, और उसमें से टमाटर डाल दें तो और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। उसके बाद हमने कोशिश करते हूँ बच्चे भी हरा साग सब्ज़ी खाएं। और ऐसे तो जानते ही हैं आजकल के बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं हरा साग सब्ज़ी, लेकिन हम यदि बच्चों को खिलाएं तो धीरे उनकी भी थोड़ी थोड़ी आदत सी रहे खाने का। आजकल जानते ही हैं आँखों की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रहे हैं बच्चों के। उसके बाद फिर मैं इधर बच्चों को थोड़ी सी कर रही थी रेडी। और उसके बाद ये हमने आटा भी देख रहे हो, ये थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में हमने आटा लगाया है। तो आटा हमारे नाश्ते के लिए हो गया, हमारे भी पांडे जी का भी, तो एक ही साथ साथ हम फिर सबके लिए बना लेते हैं। इतना सुबह उठो, थोड़ा सा जल्दी उठो ना, तो हम दोनों के लिए भी बन जाता है मॉर्निंग में और अच्छा रहता है। उसके बाद अपना घूम फिर के आइए, वॉक वगैरह करके, स्नान वगैरह करके फिर अपना नाश्ता पानी कर सकते हो आराम से बैठ के। खाना बना हुआ रहता है तो, नहीं तो फिर से किचन में जाओ फिर से बनाओ तो फिर वही टाइम हो जाता है अपना टाइम ख़राब। तो इससे अच्छा है कि साथ साथ ही बना लेने से थोड़ा अच्छा रहता है। और मैं क्या कि सारे सब्जी को बना के अपने एक छोटी सी कटोरी में रख के ढक के उसको फिर रख देती हूँ। और फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए भी मैं पैक कर देती हूँ रोटी और सब्ज़ी। और थोड़े से हमने इसमें से डाल दिया है अचार। कभी कभी सॉस भी डाल देती हूँ, कभी कभी अचार दे देती हूँ, और कभी कभी क्या करती हूँ, कभी कुछ फ्रूट वगैरह हो तो वो भी डाल देती हूँ। और हमारी परी का जो रहता है फरमाइश, एक रोटी देना है तो सिर्फ एक देना है, एक से दो रोटी नहीं देना है। यदि दो दे दूँगी तो मेरी परी क्या करती हैं, उसको वापस ले आती हैं। तो मुझे थोड़ी सी रोटी मैं बनाती हूँ, तो बड़ी ही रोटी बनाती हूँ मैं। ज़्यादातर हमारा कोशिश यही रहता है। मैं कितनी बार मैं कही हूँ कि बेटा यदि मैंने, चलो कोई नहीं दो दे भी दिया तो कोई नहीं, एक खा लिया करो, एक वापस ले आया करो। लेकिन परी क्या करती हैं, दोनों ही वापस लेके चली आती हैं, एक भी नहीं खाती हैं। और ये है सुबह का चने का सत्तू। तो हम आ गए हैं वॉक करके। एक्सरसाइज पहले होगी हमारी एक्सरसाइज, उसके बाद हम पियेंगे गर्म पानी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद चलेगा हमारा चाय। चाय के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन चाय ऐसा नहीं है आदत के सुबह उठते ही हमें चाय चाहिए, ऐसी आदत नहीं है। क्योंकि पहले बच्चों को भेज लेते हैं और वॉक करके आ जाते हैं, गर्म पानी पी लेते हैं, उसके बाद हल्का फल्का सा कुछ एप्पल वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद फिर चाय पीते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह उठते हैं मेरी आंखें नहीं खुलेगी हमें चाय ही चाहिए, ऐसा नहीं है, बट हाँ चाय चाहिए हमें। ये जो हमारा दूध है इसमें से मैं छाली निकाल लेती हूँ, इतना हमने जमा करके रखा है, इतना इतना ही बनाती हूँ। थोड़े थोड़े ही घी निकलते हैं, फिर यूज़ होता है, फिर से बनाती हूँ, बस इस तरह से ही करती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठा करती हूँ फिर वो महक सी हो जाती है। तो इसमें हम दही डाल दिए हैं, पहले दही डाल के फिर इसको रखते हैं। ब्रेकफास्ट तो हमारा बन ही गया था और पूरी किचन की वीक हो गई है, पूरी क्लीनिंग, पूरी किचन हो गई है हमारी साफ। उसके बाद झाड़ू पोछा पूरी सारा क्लीनिंग हो गया है। और बस ये है डेली का मॉर्निंग का रूटीन। तो ये जानते ही हैं, डेली नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा करो, बर्तन साफ करो, क्लीन करो, तो ये सब डेली डेली चलते रहता है। झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ स्नान करने। मैं फटाफट से अब स्नान कर लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा में भी हमें काफ़ी टाइम लग ही जाता है।
हो गई पूजा और ये है हमारा ब्रेकफास्ट, रोटी सब्जी और प्याज और खीरा और थोड़े सा अचार। और कैसे हैं आप लोग सोनाली गुंजन ब्लॉग देखने वाले? और काफी सारी चीजें आपको आज दिखाई है मैडम ने। बहुत टाइम से सोच रही थी कि मॉर्निंग से ही मैं पूरा दिन का दिखाऊं। हाँ, एक हमारे व्यूअर्स है उनका था क्या मैं सुबह से लेके रात तक का उनको वीडियो शूट करके दिखाऊं क्या? अच्छा, किसी व्यूअर का रिक्वेस्ट था? हाँ, उनका रिक्वेस्ट था। तो आप क्या क्या करते हैं? इसलिए मुझे नहीं पता था। तो मैडम सुबह से उठी है और 10-11 बजने वाले हैं, पूजा पाठ सब कुछ संपन्न हो गया, हम लोग नाश्ता के लिए बैठे, तो आइए नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद करते हैं आपसे बातें। पूरा दिन तो ऐसे ही निकलता है सुबह से लेके शाम, बच्चे को छोड़ो, बच्चे को छोड़ने के बाद आते हो तो फिर घर का काम, और मानते हैं ये थोड़ी सी हाउस हेल्पर रहती है तो वो झाड़ू पोछा बर्तन कर देती है, उसके बाद भी तो घर में कितना काम होता है, डस्टिंग होता है, बहुत सारे काम होते हैं जो छोटे छोटे काम होते हैं जो हमको खुद ही करना होता है। तो मैं आ गई हूँ परी को लेके और मैं खाना भी नहीं बनाई हूँ, बस जा रही हूँ। और ये देखिए परी आके, देखिए क्या करिए बेटे, इधर से निकलो, स्टैंड है, स्टैंड गिर जाएगा, भगवान जी के ऊपर गिर जाएगा स्टैंड, निकलो निकलो उधर से निकलो। ए छी गंदे छू रही है। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने, खाना नहीं बनाई हूँ, फटाफट से एक तरफ चावल कुकर में, एक तरफ दाल चढ़ा दूंगी, जल्दी से बन जाएगा चावल दाल। अब तो रोटी पड़ी है, रोटी खा लो। रोटी खाओगे? नहीं खाऊंगी। तो फिर क्या खाओगे? देखिए कितनी स्वेटिंग हो रही है। तो खा फ्रेंड्स। हाँ तो खा लीजिए, मुझे क्या है, हम खिला देंगे। चलिए चेंज कीजिए, उसको चेंज करवा देती हूँ, ठीक है? पर तो बे जो इससे मुझे ना आपको ही पता है। आप बना सकते हो क्या चीज़? परी भी आ गई और आर्यन भी आ गया, और आर्यन है बाथरूम गया है, आर्यन चेंज कर रहा है। ये देखिए 2:25 पे वो घर पहुंचता है। तो मैं हूँ किचन में और किचन में बना रही हूँ खाना, सिंपल सा बनेगा, दाल चावल ही बनेगा। पांडे जी दाल चावल ही बनाओ ना। तो थोड़ा सा हमने दिया है चना, थोड़ा सा मूंग, चना नहीं डालते हैं, आधे में डाल रही हूँ चना, चना कम ही बनता है हमारे यहाँ। तो बन रहे हैं इधर चावल, इधर दाल, और अब मैं काटूंगी सब्जी। सब्जी अरबी की भुजिया बनाने का दिन है तो अरबी का भुजिया बनाऊंगी। 2:30 है और दोनों बच्चे का अलग अलग टाइमिंग है, तो जब तक बच्चे आ नहीं जाते हैं, आप यदि बिस्तर पे भी लेटने जाते हैं ना नाश्ता करके, तो ध्यान में लगा रहता है कि आर्यन का टाइम हो जाएगा तो परी का टाइम हो जाएगा, तो हम सो भी नहीं सकते हैं। पूरा सुबह से लेके 2:30-3 तक हम लोग ऐसे रहते हैं, खाना भी हमने नहीं खाया है। जब आर्यन आ जाता है तभी हम खाते हैं खाना, तो खाना भी हमारा बन ही गया है खाना। और परी भी नहीं खाती है, कभी कभी तो परी खा लेती है, कभी कभी परी खाती नहीं है। तो आज बस खाना हमारा बिल्कुल रेडी है, चावल बन गया और ये हमने बनाया है आज, देखिए ना, अरबी का भुजिया। अरबी का भुजिया ना हम लोग बहुत पसंद करते हैं, तो ये हम आज सब लोग खाते हैं, तो अरबी का भुजिया ही बना दिए हैं। बन गया है, खाना पीना हो रहा है और हम लोग नीचे ही बैठ के खाते हैं, तो सारे लोग मिल के खाते हैं, तो कभी कभी नीचे भी कभी ऊपर, जब जिस दिन जैसा होता है वैसे कर लेते हैं। तो बज गए 3 और खा लेती हूँ खाना। ये देख रहे हैं आंखों की हालत, देखिए कितने गड्ढे हो गए। और ये आईलाइनर हमने अच्छे से नहीं लगाया ना, जिसको आईलाइनर लगाना आता है वो मुझे बताइएगा कहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है। तो बाय, देखते कब मिलती हूँ मैं फिर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? और देख रहे हैं मेरा सकल सूरत। मैं अभी सो के आई हूँ, सो गई थी मैं, बहुत थक गई थी तो सो गई। कितना भी कुछ हो जाए मैडम, दिन में सोएंगी तो सोएंगी, चाहे 10 मिनट के लिए सो जाए या 1 घंटे के लिए सो जाए, लेकिन सोना है। क्या करोगे, जब दिन भर कुछ ना कुछ करते रहोगे तो थकना तो आम बात है, थक जाते हैं इंसान, तो सोना जरूरी है। तो हम सोएंगे नहीं तो फिर शाम से लेके मेरा फिर 12 बजे तक काम कैसे चलेगा, तो सोना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा सोना क्या, रेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, चाहे मैं सो जाऊँ चाहे आधा 1 घंटा रेस्ट कर लूँ बेड पर,
ये हमारे लिए तो भाई बहुत ज़रूरी है, मैं ऐसे नहीं कर पाती हूँ कुछ काम। और पांडे जी को तो इतना ज़्यादा प्रेशर है कि पांडे जी का कान नाक नाक कान मुंह बंद, सब कुछ बंद है, अभी वो कुछ नहीं सुनेंगे। तो अभी मैं आती हूँ थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके, और मेरी हालत तो देख ही रहे हैं कैसे हर चीज़ फैला हुआ है, तो मैं आती हूँ थोड़ा सा फ्रेश होके। आज मैं सोई तो परी भी सो गई, ये हो जाता है। पर वो उठो, शाम हो गया, उठो ए ब्रो, बेटा उठो उठो, खेलोगे नहीं, उठो उठो। आर्यन चला गया खेलने के लिए, मैं दूध चढ़ा दी हूँ इधर, मैं बना लेती हूँ इधर पहले चाय अपने लिए। बहुत इरिटेट करती है पांडे जी का फोन चावल खंडा। हमारे पूजा हो गया, संजय पूजा, यहाँ पे भी हमने धूप दिखा दिया और बाहर तुलसी में भी। देखिए शाम का टाइम, बन गई मेरी चाय। चाय बिस्किट इतना ही चलता है शाम में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब हम लेट खाना खाते हैं तो उसी हिसाब से, जब जल्दी खाते हैं तो फिर कुछ खाते हैं। मैं जा रही हूँ नीचे, कुछ आर्यन का सामान लाना है और उसके बाद मेरी ब्लाउज़ है वो जाऊँगी मैं सिलवानी दीपावली को पहनने के लिए। और ऐसे भी है कुछ काम है थोड़ा बहुत, उसको करके आना है। मैं मिलती हूँ। तो ये देखिए हमारी ये मूली की साग है जो हमने कट करके रख लिया है, ये मैं कल बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी मैं। मूली का साग चावल पर अच्छा लगता है, और धुल के साफ करके रख लो ना तो सुबह थोड़ा काम आसान हो जाता है। और ये कट कर लिया था हमने बैगन आलू और मूली। बैगन आलू मूली की सब्जी आप लोग कभी बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है बैगन आलू मूली की सब्जी, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। कभी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा बैगन आलू मूली की सब्जी। जैसे बैगन आलू की सब्जी बनाते हैं ना, बस उसमें से मूली ये काट के डाल दीजिए छोटी छोटी बारीक बारीक काट के, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आज मैं बना रही हूँ, और इन सीजन में तो काफी अच्छा लगता है। और मूली का साग साग में धुल लेती हूँ, धुल के इसको पानी अच्छे से गल जाएगा ना, फ्रीज में रख दूंगी मैं डब्बे में पैक करके, और सुबह फिर इसको बनाऊंगी। बच्चे पीछे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं किचन में, सारा दिन औरतों का किचन में ही निकलता है, बाप रे। नाश्ता खाना फिर रात का खाना, एक ही रोटी खाओगे, बनाना तो है ही। कितना भी कम खाओगे खाना तो बनाना पड़ेगा। तो इधर बनाऊंगी मैं सब्जी, और इधर बनाऊंगी मैं थोड़ी सी खीर। मैं ऐसे चावल खीर जब भी बनाती हूँ ना, तो ये जो समा का चावल होता है ना उसका खीर बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। सभी मैं बनाती हूँ, सब बनाती हूँ खीर।
ये देखिए मैं लाई हूँ शैम्पू, नाइल का है, पता नहीं आपको उधर से सीधा दिख रहा है या उल्टा। नाइल का लेके आई हूँ इस बार में, इस बार थोड़ा सा ट्राई करके देखती हूँ। मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं तो सोची थोड़ा सा अलग चेंज करना चाहिए शैम्पू साबुन ना, किसी एक चीज़ को पकड़ के नहीं रहना चाहिए, तो थोड़ा सा चेंज करती हूँ मैं अपने आप को। और मैं लेके आई हूँ ग्रीन टी, इस बार छोटा डब्बा लेके आई हूँ ग्रीन टी। सब्जी चला देती हूँ एक बार, खीर भी चला दिया, सब्जी को भी हमने कम कर दिया अच्छे से पक जाए। और सुबह से शाम हो गया आज, और इनकी वजह से आज कहीं नहीं गई मैं, मुझे जाना था, इनको काम देखी कि इतना ज़्यादा था, तो फिर मैं भी बोली चलिए रहने दीजिए आप काम कर लीजिए। तो बच गई हमारी सब्जी, और ये देखिए पक गई है पूरी अच्छी तरह से। इलायची पाउडर में भूल गई, फिर से गई नीचे तो इलायची लेके नहीं आई। रात के बज रहे 10, पांडे जी आपको उसी स्थिति में मिल रहे हैं जैसे थे, और मैं यहाँ पे हूँ देख रही हूँ सामने। ये भी थी कौन बनेगा करोड़पति, ये भी थी कौन बनेगा करोड़पति। तो रेडी है आज का हमारा डिनर, रोटी सब्जी बैगन आलू की सब्जी और खीर। तो अब हम लोग चलते हैं खाना खाने के लिए। का काम हो गया मेरा भी? नहीं नहीं मेरा, मैं तो हो गया, बट खाना नहीं हुआ है मेरे घर में अभी तक, अभी किसी का खाना पीना नहीं हुआ है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और सारी डिटेल जो भी हमने कोशिश की है बताने की, बाकी नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, तो डायरेक्ट आप इनसे संपर्क करके ये शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई चीजों के साथ। जय हिंद जय भारत। तो बज रहे हैं रात के 11:15, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यही था हमारा सिंपल सा रूटीन जो मैं डेली में करती हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ, अब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं भी दिखाती हूँ। और ऐसे जानते ही हैं छोटे मोटे घर के काम और हाउसवाइफ का काम तो ऐसा होता है, वो पूरे दिन ही बिजी रहती है कुछ ना कुछ अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। तो ये था हमारा सिंपल सा, और बिल्कुल भी आपने ये देखा होगा कि मेरा नो मेकअप ये वो सब बिल्कुल भी मुझे उतना आता नहीं है करना, बट रखती मैं हर चीज़ हूँ। बट ये जो हमारे व्यूअर्स थे उनके लिए था। कैसा लगा ये मेरा डेली का रूटीन तो आप लोग हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, और यदि कहीं पे कुछ मिस्टेक हो तो वो भी हमें कमेंट करके आप बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो फिर बाय बाय।